आज मैं आपको सिखा रही हूँ चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त में हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधा किलो दाल ली है चने की, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। एक घंटा आप इसको भिगो दें, भिगोने के बाद आप इसको बॉईल करेंगे तो बड़े आराम से जल्दी से बॉईल हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर में करेंगे तो 5 मिनट में ही आपकी दाल गल जाएगी। और मैंने गोश्त लिया है, यहाँ मेरे पास 800 ग्राम गोश्त है और 3 लार्ज साइज ऑनियन है ये इसमें, और प्याज है, 3 बड़ी प्याजें ली हैं मैंने, और 4 हरी मिर्चें हैं बीच में डालने के लिए गार्निश के लिए। ज्यूरिंग कटिंग में इसमें जिंजर है, अदरक मेरे पास कटिंग लंबी वाली कटिंग की अदरक है, और टमाटोज मैंने लिए हैं लार्ज साइज़, 3 लार्ज टमाटोज हैं, और कोरिएंडर है मेरे पास, हरा धनिया जो है ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक, तो दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून है। तो ये हो गई। अब स्पाइसेस में आ जाते हैं। स्पाइसेस के अंदर मेरे पास है जी क्यूमन सीड्स हैं जी, ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, चिली है, और कसूरी मेथी है इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी है इसके अंदर, और होममेड गरम मसाला, चेक आउट माय वीडियो होममेड गरम मसाले की आप देख लीजिएगा, वो है ये 1 टीस्पून, और कोरिएंडर पाउडर है इसके अंदर मेरे पास 1 टेबल स्पून, भर के ले लीजिएगा ही फुल। 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, ये भी भर के लीजिएगा, मतलब ये आप अपने अंदाजे से रख लें कि आपने नमक कितना डालना है उसके अंदर, सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट, ओके। और इसमें टर्मरिक पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है, हल्दी पाउडर जो है ये 1/2 टीस्पून है, और ऑयल हमें चाहिए, ऑयल चाहिए, आप ऑलिव ऑयल में बनाएं या किसी में, मैं ऑलिव ऑयल में ज़्यादातर खाने बनाती हूँ तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आप किसी में भी बना लें और बनाना शुरू कर दें। ये मैंने 3 सर्विंग स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, 3 बड़ी प्याजें लार्ज साइज, प्याज को हमने इसके अंदर ब्राउन कलर करना है, तो इसको मैंने इस तरह से बारीक नहीं काटा, वरना बारीक जितनी कटेंगे उतनी अच्छी आपकी प्याज भी ब्राउन भी होगी, और क्योंकि मैंने इसमें गोश्त डालना है, गोश्त तकरीबन आधा घंटा या 40-45 मिनट तक गलेगा, जब 45 मिनट तक आपका गोश्त कुक होगा तो उसमें ये ऑनियन जितनी भी है ना ये मैश खुद ही हो जाएगी, सारा मसाला खुद ही पिस जाएगा। तो बस इसको ज़रा सा हम ब्राउन करते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको करनी है। इसको पिंक कलर का करना है, पिंक कलर की हो जाए जब तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर इसका मिला रही हूँ। इसको मिलाने के बाद आप इसको ज़रा सा 2 मिनट आप इसको फ्राई करें ताकि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में हो जाए, गार्लिक और अदरक और लहसुन की जिंजर की। खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर आप ऑयल में इसको लहसुन अदरक को फ्राई कर लें प्याज के साथ, तो आपकी ग्रेवी में बड़ा अच्छा, करी में उसका जो टेस्ट है अच्छा आता है गार्लिक का। अब इस टाइम में इसमें अपना जीरा डालूंगी, जीरा क्यूमन सीड जो है हमारी वो इसके इसमें चली गई इस टाइम, ताकि ये भी भून जाएंगी इसके अंदर फ्राई हो जाएंगी। जीरा डालने के बाद इसको 2 मिनट जीरे को भी हमने फ्राई करना है इसी तरह, ताकि वो अच्छी तरीके से जितना भी क्यूमिन जो है सीड्स हैं वो रोस्ट हो जाए इसमें। 2 मिनट जीरा फ्राई हो जाए, उसके बाद आप अपने गार्लिक हो जाए, उसके बाद आप अपने गोश्त जो है हमारा हम वो इसमें डाल देंगे। आधा किलो दाल डाल रही हूँ चने की दाल। इसको अच्छा जब से कलर इसका चेंज हो जाएगा तो मैं बाकी स्पाइसेस इसमें मिलाती हूँ। अभी सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल रहे हैं। गोश्त का कलर गोल्डन कलर का हो गया, गोश्त अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद अब मैं 2 मिनट इसको मसाले को भी फ्राई करती हूँ, फिर बाकी चीज़ें डालती हूँ। अब मेरा देखें इसमें मैंने मसाले को भी अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक के लिए फ्राई किया है। उसके बाद अब मैं अपने जितने टमाटर हैं हमारे सारे इसमें डाल देंगे।
टमाटर डालने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। इतना पानी आपने डालना है कि आपका गोश्त जो है इसी में कुक हो जाए। कुक करना है तो वो ज़ाहिर उसमें आधा घंटा मैक्सिमम आपको डिपेंड करता है गोश्त पे कितनी देर लगती है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि 30 मिनट्स में 35 मिनट्स में 40 45 में आपका कुक होगा, कोई इसका वो नहीं है, टाइम नहीं है। बस आपने इसको इतना गलाना है कि कम्प्लीट तरीके से ये गल जाए, अच्छी तरीके से बोटी गल जाए, क्योंकि गला हुआ सही गोश्त होगा तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और पकेगा भी सही। तो बस आपने इसको इतना पानी डालना है, मेरे ख्याल से इसमें 4 गिलास पानी आप भर के डाल दें और उसमें फिर आप इसको हल्की आंच पे लो टू मीडियम पे इसको कुक करें। एटलीस्ट 35 मिनट्स तो मस्ट हैं, तो उसके बाद आपका 30 से 35 मिनट में गोश्त गल जाना चाहिए। लेकिन ये कि अगर 40-45 मिनट्स हो गया तो कोई बात नहीं है। अब मैं इसे कुक करने के लिए कवर कर रही हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बाद देख के बताऊँगी आपको कि कैसा हुआ है ये। तकरीबन जब तक ये गल नहीं जाए तो इसको कुक करते हैं हम लो टू मीडियम पे 30 मिनट्स के लिए। ये देखें सारा जो है गोश्त हमारा गल गया है, इसमें 35 मिनट्स लगे। 35 मिनट्स लगे हैं हमें इसको कुक करने में गोश्त को। अब डिपेंड करता है आप जहाँ रह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान तो वहाँ तो गोश्त जो है देर से गलता है, लेकिन ये यूएई में जल्दी गोश्त गल जाता है, इधर चिकन भी जल्दी गल जाता है, तो इससे इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन आपने इसको इतना कुक करना है कि इसका गोश्त गल जाए, अच्छी तरीके से गोश्त गल गया है। अब मैंने क्या करना है, फिर जितना भी एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है, वो मैं इसको ड्राई करती हूँ, भूनते हैं इसको। जब तक वो ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा फिर बाकी डालना शुरू करते हैं। अब देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया है, भून गया है ये, अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। जब आपका मसाला आपको लगे कि अब पिस गया है सही तरीके से और ऑयल आपका ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि आपका सही तरीके से मसाला जो है वो भुन गया है। अब इसके अंदर मैं अपनी चने की दाल गोश्त जो मैं चने की दाल जो मैंने कुक कर ली थी इसे अच्छी तरीके से मैंने गला लिया था, मतलब ये पूरी ना कंप्लीट डन है, इसको इसमें डाल देते हैं दाल को। भूनने के बाद गोश्त को अच्छी तरीके से भून के फिर आप इसके अंदर ये दाल मिक्स कर दें। नमक अब आप इस उसमें भी आप अपना नमक चख सकते हैं कि क्योंकि हमने गोश्त में नमक मिला दिया था, दाल में नमक नहीं मिला हुआ है। अब आप अपना इसका नमक चेक कर सकते हैं कि नमक आपको कम रखना है ज़्यादा रखना है, जो भी है इसमें बीच में मिक्स कर सकते हैं नमक। और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डालती हूँ, अदरक कटी हुई है हमने ये अदरक डाल देंगे, थोड़ी 2-3 हरी मिर्चें डाल दें। अब मैं इसको तकरीबन हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं रख रही हूँ इसको 10 मिनट तक के लिए, ताकि जितने भी इसमें स्पाइसेस हैं सारे दाल के अंदर हो जाएं, क्योंकि दाल में हमने कुछ ऐसा नहीं डाला। तो 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे हम कवर करके रख देते हैं, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और अगर आपने इसको शोरबे वाला रखना है तो इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, पानी भी मिक्स कर सकते हैं। आपने जितना पानी डालना हो 1 गिलास डाल दें पानी, जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतनी ग्रेवी कर लें। मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है तो इसलिए मैं आपको बस इसके बाद जितनी दाल इसमें ज़रा से 5-10 मिनट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको घर की चपाती के साथ और तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गार्निश कर लिया है चने की दाल गोश्त को, बस अदरक डाली ऊपर से और लेमन डाला है, कोरिएंडर डाला है, तो इसके साथ आप इंजॉय करें इसको, खाएं और इसको तंदूरी रोटी के साथ ज़्यादा मज़े की लगेगी। मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको चने की दाल गोश्त, कैसा लगा ये रेसिपी, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोज़ देख रहे हैं, पसंद आ रही हैं। और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।